नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, कंपनी की तरफ से मिलने वाले लैपटॉप को चुनने में मैंने मदद करने हेतु आपके लिए पहले से दो वीडियो बनाई थी जिसे आपने देखा होगा। दोस्तों, ये तीसरी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने लैपटॉप मंगा लिया है और मैं उसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो मैंने जो लैपटॉप के विषय में वीडियो बनाई थी, मैंने वही लैपटॉप मंगाया है, Acer का Aspire 3। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये तीन पार्टों में पूरी होगी। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और इसके विषय में बताया है। दूसरे पार्ट में मैंने बताया है कि आप कैसे इसकी स्पीड फास्ट कर सकते हैं, सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव को बदलकर SSD लगाकर, और इस प्रकार हम सिस्टम की स्पीड 20 गुना फास्ट कर पाते हैं। तीसरे पार्ट में मैंने बताया है कि HDD एवं SSD दोनों एक साथ लगाकर कैसे सिस्टम को और भी फास्ट कर सकते हैं, और जो आपके मौजूदा हार्ड डिस्क ड्राइव है उसे स्टोरेज के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं, और जो SSD है जो कि नॉर्मल HDD से 26 गुना फास्ट चलती है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके कैसे सिस्टम को सुपर फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं कि मेरे पास लैपटॉप जो आया है वो कैसा है। तो बहुत सारे सर्च करने के बाद जो मैंने पसंद किया था वो लैपटॉप मैंने मंगा लिया है। अभी मैंने दो पीस मंगाए हैं, एक मेरे दोस्त का, एक मेरा। इसके साथ एक बैग मिला है और एक एंटी वायरस है। ये कंपनी बहुत अच्छा लैपटॉप देती है, इसके कई प्रोडक्ट मैं यूज़ करता रहा हूँ, तो उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लाइफ लॉन्ग है, इस कारण मुझे ये बहुत पसंद आया। वैसे तो डेल हो गया और आपके लिनोवो हो गए, उनके भी अच्छे लैपटॉप आते हैं, पर वो वजन में ज़्यादा है। आप जो पोर्टेबल डिवाइस दे रहे हैं और उसका वेट ज़्यादा है, हैंडलिंग की बड़ी दिक्कत रहती है, तो इस कारण मैंने ये अपने लिए चूज़ करा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो की में दी गई जानकारी का फायदा सबसे पहले उठा सकें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा लैपटॉप लिया और उसमें क्या क्या सुविधा है। क्या आपने जो लैपटॉप लिया है उसके अंदर 7th generation का प्रोसेसर है या 8th generation का प्रोसेसर है? तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।